तो हेलो एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं ए.पी.एस गेमिंग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर फोर्स टू फाइट। मतलब कि शुरू नहीं, हमने पहले भी ये शुरू कर चुका है, लेकिन थोड़े बहुत मैचेस किए आपको मैं दिखाने के लिए कि मैं कैसा खेलता हूँ। वैसे तो मैं बिल्कुल परफेक्ट या प्रो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसमें कैसा खेलता हूँ। यहाँ पर मेरा तो मैंने फ़ाइट में शुरू कर दिया है। नहीं, सॉरी, मैंने अभी क्रिस्टल में किया है। अब क्रिस्टल से मुझे क्या करना है, मुझे क्रिस्टल से कुछ अच्छा मिल जाए तो अच्छा ही होगा। ये पैसा ना मिले, कुछ अलग मिले। कितना अलग मिल गया, सच में मज़ा आ गया। चलो इस पे ध्यान ना देते हुए मैं इसको जल्द से जल्द स्टार्ट करता हूँ। तो ये जल्दी हटे या अपग्रेड, नो। चलो यहाँ पे हट गया, ठीक है। यहाँ पे मैं ये देख लेता हूँ, ये बेस में अभी मेरा कुछ नहीं है। बाद में जाके मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत अपने लोग लगा सकते हैं, उसके लिए बस बेटा लेकिन क्या कर रहा हूँ उसी के लिए। वैसे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक भी कर दीजिए। चलो मैं यहाँ पे स्टोरी में दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने कौन कौन से कंप्लीट कर दिए यहाँ पे। ये देखिए मैंने शुरू किया, तो मैंने यहाँ पे ये मैंने थोड़ा बीच से आ रहा है, क्योंकि ये मैं पहले मैंने उसको बीच में छोड़ा हुआ। कमांड अभी है फाउंड ठीक है। यस कमांडर, लिसन टू यार, तुम भी मेरी कर सब बच बोल मैड वैन आई एम गो ठीक है। तो ये स्टार स्क्रीन है, मैंने इसकी मूवी देखी ट्रांसफॉर्मर की, उसमें भी होती। मेरे पास अभी दो ही ऑटोबॉट हैं, मेरे पास ज़्यादा ऑटोबॉट्स नहीं हैं। मुझे वो क्रिस्टल मिल जाए तो मेरे ऑटोबॉट है, मैं साथ मस्त प्राइम से ही लाऊंगा इसके साथ। ये उसने कहा था कि रिपेयर किट दी है, लेकिन मुझे कोई रिपेयर किट की यहाँ दिख नहीं रही। चलो तो उसका मतलब कुछ और था, मैं समझ नहीं पाया वो रिपेयर किट का मतलब क्या था। यहाँ तो मुझे कोई रिपेयर किट नहीं दिख रही, ना स्क्वायर में ना सिंगल बॉट में। देख लीजिए, यहाँ मैं नीचे करके दिखा देता हूँ आपको। बाकी तो कुछ नहीं, कुछ से फाइट करते हुए लगता है कि मैं इसको फाइट में आराम से आ रहा हूँ। एक मिनट, यहाँ पे क्या है वैसे, अरे वो कहाँ गया जहाँ पर दिखाते हैं किसको हराता है। चलो रहने दीजिए, सीधा आते हैं फाइट के ऊपर। तो फाइट यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैंने फाइट शुरू कर दी। यहाँ पर हम चार स्क्रीन से लग रहे हैं, वो इसमें एक बात में पेरा, लेकिन ये जो मेरा मूवी बेकअप फेवरेट है और मैं यहाँ पे दूर से इनको पेलता हूँ, पास में जाके ये और आखिरी में ओहो मैं थोड़ा रह गया। मुझे फेवरेट को अनफेवरेट करना पड़ेगा। मैं सेकंड नंबर का मूव ट्राई करना चाहता हूँ, ओह लेकिन मुझे फर्स्ट नंबर से काम चलाना पड़ेगा। ये जिंदा बच गया, लेकिन अब मैं इसको सोचता हूँ, अरे इसने मेरी आधी लाइफ कर दी है, मैं भी इसको गोलियों से छीन कर दूँगा। पार जाके यस ट्रक बन के चलो, इसका काम तमाम। ओह स्पेशल में उसे मारते तो और तगड़ा लगता है। ये चाइना, अरे ये तो वो सीन ट्रांसफॉर्मर 4 का फीचर एक्सटेंशन का सीन है मेरे ख्याल से, जब वो आखिरी में क्लिक परफेक्ट को हरा कर दें। कुछ नाम में भूल गया उसका, बड़े खतरनाक नाम है। अब चलो ये खेल रहे हैं तो नाम पता ही चल जाएंगे। मिशन कंप्लीट, स्लोली लर्नर क्या लीनर होगा, मैं पढ़ नहीं पाया लर्नर सही क्या था। चलो रहने तो उसको, यहाँ पे देखिए मैंने इसको 78% कर दिया, लेकिन मैं इसको 100% करूँगा, देख सकते हैं आप ये। तो मैं पहले क्या करता हूँ, हाँ पहले मैं अपने बॉट में जाता हूँ, मैं इनको अपग्रेड करूँगा ठीक है। देख लीजिए मेरे पास बस दो ही बॉट हैं यहाँ पे, ऑप्टिमस प्राइम और ये बोन क्रशर। ऑप्टिमस प्राइम वो भी एकदम बिल्कुल पुराना वाला, तो मैं इसके जो नीले इसको साथ मिले मैं नहीं से इसको अपग्रेड कर देता हूँ, ब्लैक वाले बोन क्रशर के लिए बचा लूँगा। ये अपग्रेड हो रहा है ना, करते अपग्रेड। अच्छा 250 में इतना, चलो कर दिए मैंने इसको अपग्रेड। चलो ये भी लगा देता हूँ, ये भी चलो इसको, इसके नीले वाले तो मैंने लगा दिए। वैसे ब्लैक वालों से भी हो जाएगी, लेकिन नीले वालों से मुझे लगता है ज़्यादा जल्दी होगा, मतलब कि खासकर इसके लिए बने, मतलब घोड़े वालों के लिए बने खास कर, ये इसकी क्वालिटी है ना घोड़े में। अच्छा ओ मैंने रैंक अप भी हुई, क्या बात है, बिल्कुल सही टाइम पे रैंक अप हुई। तो अब मुझे इसकी रैंक अप करने के लिए पहले मुझे इसके लेवल पूरे मैक्स करने पड़ेंगे। अच्छा रैंक अप के लिए इसने मुझे पहले से ही दिया, देखिए मुझे पिरामिड मिल गए हैं, बेसिक स्पार्क मतलब कि TI बेसिक स्पार्क। अब मैं इसे क्या करूँगा, इसको अपग्रेड करूँगा। वैसे ये मैंने यहाँ पर ब्लर किया हुआ है उससे, वो क्योंकि जानता हूँ क्योंकि क्या बताऊँ मैं वहाँ पर, इसलिए वो हम बात करेंगे उसके बारे में। वैसे 2000 रुपये का हो रहा है ठीक है, अपग्रेड हो गया मेरा बॉट। अब क्या करूँ, चलो फाइट ही करता हूँ, नहीं फाइट नहीं, पहले इसको भी अपग्रेड ही कर देता हूँ।
और इसको पूरा इसमें ये लगा देता हूँ ब्लैक, इनको मैं भूल क्या बोल चुके हैं, ब्लैक क्यूब्स, ब्लैक क्यूब्स ब्लेड कर देता हूँ। चटके खाने लगते हैं ये लोग। ये बोन क्रशर वैसे मैं आपको बता दूँ ट्रांसफॉर्म वन मूवी में था, अब इसको ऑप्टिमस प्राइम बहुत आसानी से बीच से फाड़ के मार देते हैं। तो अब हम देखो लर्नर या स्लो लर्नर, एडा बॉट में मेरा कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ पे आ रहा है गेट मोड का, मेरे पास अभी वो क्यूब भी कम है, पिंक क्यूब 45 में है। ठीक है इसके कंटिन्यू पे मैं कर देता हूँ, मेरे के से चलो फाइट ही करना पड़ेगा, अब मेरे पास कोई चारा भी नहीं है वैसे। वो कुछ अचीवमेंट अनलॉक हुआ है मेरा, पावरफुल टीम रेयर 500 एक्सपी मिली मुझे। चलो मैं अब इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, पहले इस क्या नाम है इसका ग्रिंडोर को ख़त्म करता हूँ। इसको ऑप्टिमस प्राइम हराया क्योंकि घोड़ा हरा पाता है हाथ को, पता नहीं इनको क्या बोलते हैं कि मैं तो नहीं घोड़ा हाथ ही बोलने वाला हूँ। और तो ठीक है देखते हैं यहाँ पे फाइट शुरू हो गई है, और मैं इस ग्रिंडोर को दी रिवेंज ऑफ दी फॉलन का है ये ग्रिंडोर, मतलब कि ट्रांसफॉर्मर 2 का है, तो मैं इसको बड़ी अपनी पुरानी टेक्निक से हराऊंगा। अरे ये तो बहुत आसान है, ये मेरा जो तरीका है बनने का ये तो नॉर्मल में बड़ा काम आता है। रिवेंज ऑफ दी फॉलन मतलब कि दोस्त ना तो जानकारी दे रहा हूँ ये वहाँ की, अरे कहाँ ये ट्रांसफॉर्मर सेकंड जो है मूवी उसका है ये ग्रिफिंडोर, ग्रिफिंडोर क्या बोलो ग्रिंडर, ग्रिफिंडोर हैरी पॉटर का याद आ जाता है। अच्छा आप मुझे बताते रहिए कि मेरे पास 2 या 3 गेम को लेकर मैं उठा के नहीं बना सकता हूँ, आपको भी पता है ये मैंने वैसे पढ़ चुका है, लेकिन आपके लिए आप इसे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। वैसे ऐसा कोई करेगा नहीं क्योंकि मेरे में ज़्यादा व्यू आते नहीं, अभी वो उसका मुझे कोई टेंशन नहीं है। चलो ये मुझे मैंने चलो अब हम यहाँ पे सीखेंगे। अच्छा मतलब कि जो अनएक्सप्लोर्ड होगा वो ऐसे छोटे छोटे एरोस से जाएगा, जो एक्सप्लोर्ड होगा वहाँ पे रोड जैसे बन जाएंगे। पार्शियली एक्सप्लोर करंट क्वेस्ट रूट, ओ पता नहीं ये क्या है, ये इसका कुछ नहीं पता है, इसका तो मालूम ही क्या है। तो अब हम जा रहे हैं अंदर, मतलब कि उसकी उस लड़की के पास परिवार वाली, ठीक है। तो हम घुसे इसके अंदर, तो इसका नाम है एस, वो इसका नाम आरसी तो नहीं कहीं, आरसी अरे हाँ कैसे आरसी, मुझे पता नहीं इसका प्रोनाउन कैसे करते हैं, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसको कैसे। ये तो मुझे बड़ा मार रही है, लेकिन अभी इसको पता नहीं है कि मैं जो चेक वाली टेक्निक नहीं बच पाता ये। अब ये मैं अपना मूव मारूंगा और इसका काम तमाम हो जाएगा। ओह बच गई, बच गई, पर कैसे स्टाइल से बच पाएगी। एक मिनट से क्वेश्चन ये मैं कैसे मार पा रहा हूँ, ये वाला फ्री फाइन तो बहुत है ना, जब बम्बर भी ये लोग अपने ग्रह में थे तब तो वहाँ पे ट्रक गाड़ियाँ कुछ कुछ नहीं थे, तब तो उनका नॉर्मल रूप मतलब कि ट्रांसफॉर्मर वाला रूप ही तस्वीर बहुत बात बोली मैंने। अच्छा मैंने बात तो सही बोली, पॉइंट है, लेकिन क्या मोरो मैं गलत भी हो सकता हूँ। ट्रांसफॉर्मर फैंस प्लीज कॉमेंट बिलो इफ आई एम रॉन्ग, ये सब मैंने पढ़ चुका है वैसे, हाँ ये मैंने पढ़ लिया है। चलो इसको मैं जल्दी हटा देता हूँ और फाइट कर देता हूँ, इसको 100% एक्सप्लोर कर देता हूँ। स्कार स्क्रीन टूट गया, इससे लड़ाऊँ कि इससे, वैसे इसमें अगर बोन क्रशर लेकर तो ज़्यादा से वो हो, यहाँ तो बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, मैं अपनी कम्युनिटी में ही रह गया। क्या बस आज तो ये बड़ा कमज़ोर है, मैंने इसका बहुत ज़्यादा लेवल नहीं टू का हो गया, ये रेस का ही आखिरी दिन अगला इसका पहले मूव इतना मस्त मारा ना, तो बात नहीं का पहला मूव तो एक या दो ही में खत्म हो गया था। अच्छा मुझे यहाँ पे समझ लीजिए ये क्या, वैसे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी जल्दी वीडियो आ जाए। अब मेरी बहुत जल्दी वीडियो आती है, वैसे इतनी भी जल्दी नहीं आती है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्द डालूँ। वैसे माफ़ करिएगा मैं लास्ट जी अनवर्स का पार्ट क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ शेयर के लिए, क्योंकि वो अपडेट मांग रहा है और अपडेट के लिए भी मैं पता नहीं खत्म हो गई, मैं जानता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, शर्म की बात है, लेकिन यही है सच्चाई, नहीं सच्चाई आपके साथ बतानी पड़ेगी। वैसे अगर मैं वो कल तक डाल दूँगा, मतलब कल मैं उसको कर लूँगा, परसों तक उसकी आ जाएगी, और ये वीडियो तो आपके पास आ ही चुकी होगी अभी तक,
और मैंने अभी वो थोड़ी बड़ी हो सकती है वो जो सेकंड पार्ट की शेड वाली, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। बड़ी वीडियो वैसे एक ने कहा था मुझे डालने को। वैसे अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लोग देख लेते हैं सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे लगता है कि इस वीडियो में मुझे बस इतना दिखाना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों बाय।